गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ड में पेज फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पेज फॉर्मेटिंग के अंदर हम लोग जानेंगे मार्जिन कैसे एडजस्ट करना है, हेडर फुटर कैसे डालना है, पेज में पेज नंबर कैसे डालना है, पेज को ब्रेक कैसे करना है, ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करना है और कवर पेज कैसे इंसर्ट करना है। पेज मार्जिन, मार्जिन आर द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेज एंड द टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट वर्ड सेट ऑल मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम टू 1 इंच। टेक्स्ट और पेज में, टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच में जो स्पेस होता है उसको मार्जिन कहते हैं। वर्ड में बाय डिफॉल्ट लेफ्ट राइट और टॉप एंड बॉटम में 1 इंच का मार्जिन सेट किया हुआ रहता है। अब हम पेज में मार्जिन कैसे सेट करेंगे, इसके लिए पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर मार्जिन पर क्लिक करेंगे। उसमें क्या बोल उसमें एक नॉर्म उसमें एक ऑप्शन अपीयर होगा नॉर्मल। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन हर पेज के लिए नॉर्मल मार्जिन किया रहता है। फिर हम दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अलग अलग मतलब मार्जिन डिफाइंड प्री डिफाइंड मार्जिन है। अगर हमको अपने हिसाब से चाहिए तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना चाहते हैं यानी कि कस्टम मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी पेज लेआउट में जाएंगे, फिर मार्जिन पर क्लिक करेंगे, फिर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे, फिर एक पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आएगा। फिर इसमें हम टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो भी मार्जिन है अपने हिसाब से जितना इंच चाहे वहाँ पर डाल करके ओके क्लिक करेंगे। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर आर द पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्पेशल इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर एंड द टोटल नंबर ऑफ ए पेज, डॉक्यूमेंट टाइटल, कंपनी लोगो, फोटो। द हेडर अपीयर द टॉप ऑफ द एवरी पेज एंड द फुटर अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज। हेडर और फुटर क्या है? हेडर मतलब ऊपर और फुटर मतलब नीचे, यानी पेज के किसी ऊपर में एक स्पेशल स्पेस डॉक्यूमेंट में वो जो छोड़ा जाता है कंपनी के नाम के लिए, लोगो के लिए, फ़ोटो डालने के लिए, उसको हेडर कहते हैं। और जो नीचे की तरफ स्पेस छोड़ा जाता है पेज नंबर डालने के लिए और कुछ भी जैसा हुआ मतलब डेट वगैरह डालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पेज डालने के लिए, तो वो फुटर कहलाता है। अब हेडर और फुटर कैसे सेट करेंगे, इसके लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर हेडर फुटर बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग हेडर फुटर कितना हमको लेना है वहाँ पे हम डाल देंगे, फिर क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे। तो हम सेलेक्ट हम फिर तो फिर पेज पे जितना इंच का हेडर फुटर जितना स्पेस चाहिए हेडर फुटर के लिए वो स्पेस बन जाएगा। पेज नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली साइन पेज नंबर ऑन द पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। टिपिकली पेज नंबर आर प्रिंटेड आइदर इन द हेडर और फुटर, बट यू हैव ऑप्शन कैन डिस्प्ले द पेज नंबर इन द लेफ्ट और राइट मार्जिन द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ ए पेज। पेज नंबर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑटोमेटिकली पेज नंबर का ऑप्शन जो हम अगर हर डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके पेज नंबर पे जाएंगे तो वो पेज नंबर ऑटोमेटिकली हर पेज के लिए ले लेगा। जनरली पेज नंबर क्या होता है वो हेडर या फुटर में लेता है, अगर हम चाहें कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस पोजिशन पर तो वहाँ उसको भी हम तय कर सकते हैं किस पोजीशन पे पेज नंबर आए। अगला है पेज ब्रेक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली स्टार्ट ए न्यू पेज व्हेन द करेंट पेज बिटवीन फील्ड विद द टेक्स्ट, बट यू कैन इंसर्ट ए पेज ब्रेक टू फोर्स वर्ड टू स्टार्ट ए न्यू पेज। यू इंसर्ट ए पेज ब्रेक यूजिंग आइदर द माउस ऑन द पेज ब्रेक। क्या होता है कि मतलब जनरली जब हम लिखते लिखते हमारा पेज वर्ड में भर जाता है तो अपने आप एक नया पेज स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम बीच में ही एक नया पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जैसा आपको दिख रहा होगा कि इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो फोर्सली वो एक नया पेज बीच इंसर्ट हो जाएगा। कवर पेज, फर्स्ट पेज इंक्लूड द डॉक्यूमेंट टाइटल, इट्स सब्जेक्ट, ऑथर एंड पब्लिशर नेम ETC। इट यूजुअली कॉल्ड कवर पेज एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड एन ईजी वे टू ऐड अ कवर पेज। कवर पेज क्या है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसके पहले पेज में हम टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल, सब्जेक्ट, ऑथर नेम डालना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट में ऑप्शन है कि हम डिज़ाइन कवर पेज, ऑलरेडी डिज़ाइन कवर पेज है जिसको हम
यूज़ कर सकते हैं। अब कवर पेज कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर कवर पेज बटन पे क्लिक करेंगे। वहाँ बहुत सारा कवर पेज इनबिल्ट है, हमको जो चाहिए उसको हम क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हटाना है कि कवर पेज नहीं चाहिए तो बस वही जाएंगे इंसर्ट पे, फिर जस्ट क्लिक करेंगे रिमूव करंट कवर पेज, तो वो पेज डिलीट हो जाएगा। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन इज़ यूजफुल व्हेन यू प्रिंट योर पेज। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट शो ए पेज इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड इट इन दिस केस पेज विड्थ इज़ लेस देन पेज हाइट एंड पेज विल बी 8.5 इंच एंड 11 इंचेस। यू कैन चेंज ओरिएंटेशन फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप ओरिएंटेशन इन विच केस पेज विड्थ विल बी मोर देन पेज हाइट, पेज विल बी 11 इंच इंटू 8.5 इंच। इन द पेज लेआउट टैब देयर इज ऑल्सो पेज बॉर्डर एंड पेज कलर etc। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में जो पेज ओरिएंटेशन रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है। इसमें पेज का साइज़ जो होता है 8.5 इंटू 11 इंच का होता है, और जब हम पेज को लैंडस्केप करेंगे तो इसमें ठीक उल्टा हो जाता है, 11 इंच गुना 8.5 इंच का पेज हमारा हो जाता है लैंडस्केप में। अब पेज ओरिएंटेशन कैसे सेट करेंगे, इसके लिए हम पेज लेआउट में जाएंगे और उसके बाद ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे। वहाँ दो ऑप्शन रहेगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, हमको जिसमें करना है उस पर हम पेज क्लिक करेंगे तो पेज हमारा प्रिंट के समय वैसे ही प्रिंट होगा। और अगर हम चाहते हैं उसको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना तो पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट वो पोर्ट्रेट में रहता है। अगर हम उसको लैंडस्केप में चाहते हैं तो लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रिंट प्रिंट निकलेगा तो हमारा जो राइटिंग रहेगा वो जो पेज पे प्रिंट होगा वो लैंडस्केप में होगा। थैंक यू।